वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो. सो टूडेज वीडियो इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये मेरी फेवरेट वीडियो होने वाली है. अब आप पूछोगे क्यों होने वाली है, बिकॉज राखी आ गई है यार. एंड राखी के लिए मुझे एक आउटफिट चाहिए रहता है हमेशा, बट मैंने सोचा था कि मैं इस बार अपने आप से यू नो कस्टम आउटफिट बनाऊंगी. सो इट्स गोना बी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच फॉर राखी. राखी के लिए मैं ये बनाने वाली हूँ. तो अब अगर आप कस्टम करवाते हैं या खुद से आप सोच सोच के आउटफिट क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक रेफरेंस लेना पड़ता है कि आपको किस टाइप का आउटफिट चाहिए. नाउ सेकेंड इज टेलर, क्योंकि अगर आपने आपका डिज़ाइन रेडी कर लिया है, सो यू नीड अ गुड टेलर जो आपके डिज़ाइन को एंड जो आप चाहते हैं प्रॉपर आउटफिट बनवाना वो उसको अच्छे से समझ जाए. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप फैब्रिक कैसा ला रहे हैं, तो आपको फैब्रिक का भी बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ता है. अब आप इसमें दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप फैब्रिक खुद से ला सकते हैं इफ़ यू हैव दैट नॉलेज कि फैब्रिक कौन सा अच्छा होता है कौन सा नहीं होता है, तो आप वो खुद से कर सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग, आप ऐसा टेलर देख सकते हैं जो आपके लिए फैब्रिक्स भी लिया है. अगर आपको मटेरियल डाई कराना है तो वो प्रॉपर डाई भी करा दे. एंड सेकेंड आई मीन थर्ड थिंग ये है कि वो आपके लिए उस फैब्रिक में एक अच्छा जिस टाइप का आप आउटफिट चाहते हैं वो पूरा स्टिच कर दे. तो इन माई केस, पहले तो हम वीडियो शुरू करते हैं. मैं आपको एक एक करके बताऊंगी स्टेप्स मैंने क्या लिए मेरा आउटफिट क्रिएट करने के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फॉर माई आउटफिट आई वॉन्टेड अ कम्प्लीट ट्रेडिशनल आउटफिट, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रेडिशनल ही जाना पसंद करती हूँ रादर देन इंडो वेस्टर्न या कम्प्लीट वेस्टर्न पहनना. तो इंडियन वेयर के लिए मैंने पिंटरेस्ट पे बहुत सारे रेफरेंसेस लिए एंड कुछ मुझे पसंद आए. लाइक कुछ का बॉटम पार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एंड किसी का मुझे अपर पार्ट बहुत अच्छा लग रहा था. सो मैंने दो आउटफिट्स को कंबाइन करके एक आउटफिट कस्टम करवाने का सोचा था, जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी. लाइक वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ अपना आउटफिट रिवील करूंगी प्रॉपर वाला. तो जब मैंने पिंटरेस्ट पे देखा तो उसका कॉस्ट जा रहा था 10,000 बॉटम का एंड जो अपर पोर्शन था उसका जा रहा था 9,000. लाइक कंप्लीट आउटफिट 19,000 रुपीज का बैठ रहा था. तो इतना तो मुझे, मेरा बजट ही नहीं था 19,000 रुपीज फॉर अ राखी आउटफिट. सो मैंने सोचा कि ये तो इजीली कस्टम हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट फैब्रिक. तो फैब्रिक के लिए मैं गई थी, गांधीनगर में है हमारे यहाँ, मेरे नियर बाय है शांति मोहल्ला एंड इट्स वेरी फेमस फॉर देयर फैब्रिक्स. और उनके पास आपको हर तरीके का फैब्रिक मिल जाएगा, लाइक टिश्यू मटेरियल, मिरर वर्क, सैटन, प्लेन, आपको लाइनिंग के लिए भी, मतलब बहुत सारे, मतलब वो मेन फैब्रिक की ही मार्केट है. सो मैं वहाँ पे गई थी मेरी मॉम के साथ एंड मैंने बहुत सारे फैब्रिक्स देखे थे. मेरे माइंड में था कि मुझे अपर पार्ट मिरर वर्क में रखना है एंड नीचे मुझे स्कर्ट टाइप का चाहिए था, येट मुझे कंफर्टेबल भी चाहिए था. तो मैंने प्लाजो प्लस स्कर्ट काइंड ऑफ अ लुक दिया है अपने बॉटम को, तो उसके लिए मैं फैब्रिक लेने के लिए गई. सो मैं गई थी फैब्रिक मार्केट अपना फैब्रिक परचेज करने के लिए. नाउ आजकल मार्केट में बहुत सारे फैब्रिक्स आए हुए हैं, लाइक बहुत अलग अलग पैटर्न्स आए हुए हैं, बट मेरे माइंड में था दैट मुझे एक वाइट कलर का मिरर में ही कुर्ती लेनी है एंड उसी के लिए मुझे फैब्रिक चूज़ करना है. सो वाइट में लेने का आपको एक फ़ायदा रहता है, देन आप उसको थोड़े टाइम के बाद आप उसको डाई भी करा सकते हैं. सो मैंने भैया से सेम बोला था कि आप मुझे ऐसा मटेरियल दिखाइए, लाइक अभी तो मैं उसको वाइट पहन सकती हूँ बट उसके बाद मैं उसको डाई करा के किसी और कलर में भी पहन सकती हूँ. तो भैया ने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए थे एंड चिकनकारी वर्क बहुत ज़्यादा था. लाइक शांति मोहल्ला इज़ फेमस फॉर इट्स फैब्रिक, तो उनके पास आपको हर तरह का फैब्रिक मिल जाएगा एंड मुझे पर्टिकुलरली मिरर वर्क चाहिए था तो मुझे वो वहाँ से मिल गया. एंड इनके पास लखनऊ कढ़ाई में भी, चिकनकारी में भी मिरर वर्क था एंड मुझे वो वाले फैब्रिक्स भी बहुत पसंद आ रहे थे. रेटिंग वाइज सब अलग अलग होता है, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग रहता है. तो मैंने जो फैब्रिक वहाँ चूज़ किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैंने वही फैब्रिक लास्ट में अपने लिए सेलेक्ट किया एंड फाइनलाइज किया. नाउ इतना ज़्यादा सर्च करने के बाद फाइनली मुझे फैब्रिक्स मिल गए थे एंड शादी मोहल्ला इज़ लाइक रीजनेबल भी, अगर आपको रीजनेबल रेट्स में चाहिए एंड अगर आपको अपनी जो क्वालिटी है अगर आप उसको और बढ़ाएंगे तो प्राइजेस भी उसी तरह से आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे. तो मैंने जो सेलेक्ट किया था, आई हैव माई बिल राइट हेयर.
सो ये मैंने लिया था श्री पारस फैब्रिक से, वहाँ पे बहुत अच्छी शॉप है। आप उनके पास आपको चिकनकारी, लखनऊ वर्क एंड मिरर वर्क और मतलब बहुत सारी वैरायटीज मिल रही थी। आजकल जो डिजिटल ऑर्गेन्जा भी ट्रेंड में है वो भी वहाँ पे मिल रहा था। मैं आपको फैब्रिक्स के रेट बताऊँ, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी दैट अगर आप अपना आउटफिट कस्टम कर रहे हैं सो जितना फैब्रिक आपको चाहिए आप उससे एक मीटर एक्स्ट्रा ही लीजिए। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है टेलर को डिजाइन समझ में नहीं आता है एंड आपको उसको ड्रॉ करके रेफरेंसेस दिखाने पड़ते हैं तो समटाइम्स आपको वो कपड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप ले रहे हैं तो 1 मीटर या हाफ ऑफ मीटर ज्यादा लीजिए। नाउ कमिंग ऑन टू माई कॉस्टिंग, जो मुझे पड़ा है तो मुझे अपर पोर्शन पड़ा है 375 रुपीज पर मीटर का। तो ये मैंने 2 मीटर लिया था एंड मुझे बॉटम के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा फ्लेयर चाहिए था तो मैं पहले 5 मीटर्स ले रही थी, बट अगेन मैंने आपको जैसे बताया तो मैंने 1.5 मीटर एक्स्ट्रा लिया था, तो मैंने 6.5 मीटर्स लिया था फॉर माय बॉटम। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, अगर आपने अपना फैब्रिक ले लिया है देन यू नीड अ टेलर जो आपके लिए आपका आउटफिट रेडी कर दे। नाउ मैंने जहाँ से टेलर चूज किया था मेरे लिए, मैं वहाँ से बहुत टाइम से मी और मेरी मम्मा वहाँ से बहुत टाइम से स्टिचिंग करा रहे हैं, तो उन्होंने स्टिचिंग चार्जेस भी थोड़ा हमसे कम लिया था। बट अगर आप किसी बुटीक से करवा रहे हैं, मतलब जो भी आप टेलर चूज कर रहे हैं, आप ये माइंड में रखिए कि वो टेलर बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपके डिज़ाइंस और वो आपके फैब्रिक को अच्छे से समझ जाए ताकि वो एक अच्छा एक प्रॉपर आउटफिट आपके लिए क्रिएट कर सके। तो मैं गई थी, मेरे यहाँ पे पास में ही है एक टेलर, उनके पास अपना फैब्रिक लेके एंड डिज़ाइंस लेके और बहुत सारे रेफरेंसेस लेके। तो रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उनको समझ नहीं आएगा दैट व्हाट यू वांट एक्चुअली। तो मैंने रेफरेंसेस उनको दिखाए, उनको ड्रॉ करके दिखाया तो वो इजीली समझ गए दैट बहुत इजी आउटफिट है ये। तो नाउ फैब्रिक सेलेक्ट करने के बाद मैं गई थी अपने नियर बाय टेलर के पास, जिनसे मैं रेगुलरली अपने क्लोथ्स एंड मेरी मम्मा भी उनसे क्लोथ्स सिलवाती हैं। सो भैया ने एंड अंकल ने मेरी अच्छे से मेजरमेंट्स ले लिए थे, क्योंकि मुझे उनको मैंने उन्हें बताया ड्रॉ करके एंड रेफरेंसेस दिखा के कि मुझे इस टाइप का चाहिए, तो उनको वो फ्लो मटेरियल के लिए जो फ्लो बॉटम था उसके लिए उन्होंने एक अच्छे से मेजरमेंट्स लिए थे एंड बहुत ही प्रोफेशनल हैं वो अपने वर्क के अंदर, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरा मेजरमेंट ले लिया था एंड उन्होंने मेरे से चार्ज किया 1100 रुपीज उसका स्टिचिंग का। तो मुझे ओवरऑल अब जो टोटल रेट पड़ा है वो पड़ा है 2500, तो मेरे को ओवरऑल जो 19,000 रुपीज का एक आउटफिट बनने वाला था वो मेरा सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज में बन गया, आई थिंक विच इज अ रियली नाइस डील। एंड राखी पे मुझे पहनना था, कस्टम करवा के पहनना था, सो मैं टेलर के पास गई सारे फैब्रिक्स लेके अपनी डिज़ाइन लेके और उन्होंने बहुत ही प्यारा मुझे बनाकर दिया आउटफिट। नाउ 3, 2, 1 पे मैं आपको अपना आउटफिट रिवील करती हूँ। सो 1, 2 and 3 ये। टुडेज वीडियो, आई होप कि आपको भी मेरा आउटफिट पसंद आया होगा एंड मैं यस राखी व्लॉग भी करने का सोच रही हूँ। सो मैं आपको उसमें भी वो पहन के दिखाऊंगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जस्ट मैं बिकॉज ऑफ द वीडियो मैंने ये पहना है। तो यस आई एम गोना वेयर दैट ऑन यू नो राखी स्पेशली जो मैंने राखी के लिए बनाया था। सो या अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग 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 थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। Subscribe to my channel below and also press the bell icon right next to it. I'll see you in my next video. Bye!